वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? टुडे वी सी लेसन 8 ऑफ फोर्थ क्लास इंग्लिश, द लायन एंड द यंग मैन। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम द लायन एंड द यंग मैन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, हमें यहाँ पर जो ब्लैंक जगह दी गई है वो हमें फिल करना है जो कि वर्ड हमें ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट में हमें दिया गया है वंस राजू मोनू एंड टू रेड्स डेजर्ट इन अ हाउस। एक बार राजू मोनू और दो चूहे एक घर में, तो यहाँ पर हमें राइट करना है लिव डल्यू मीन होता है रहना। ठीक है, एक घर में रहते थे। वन डे राजू वाज, यहाँ पर हमें राइट करना है इन अ हरी। व्हाट हैपेंड आस्क्ड मोनू, एक दिन राजू ने हरी से तथा क्या हुआ मोनू से पूछा क्या हुआ। कम ऑन टू द हाउस हेरबी डेड सेड राजू। मोनू ने पूछा, राजू से कहा कि घर में चलो। क्या बोला? कि घर में चलो। बट भाई अस्कड मोनू, बिकॉज आई एम डेस्ट अफ्रेड द फैट कैट दैट आई शॉ टूडे इन धिस हाउस सेड राजू। पर क्यों, मोनू से पूछा, क्योंकि मैं उस बिल्ली से अफ्रेड मीन्स था डरना, क्योंकि मैं उस बिल्ली से डरता हूँ जो मैंने आज इस घर में देखी थी। राजू ने कहा पर क्यों, मोनू से पूछा, क्योंकि मैं उस बिल्ली से डरता हूँ जो मैंने आज घर में देखी है थी, राजू ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर पे दिया गया है से यस आर नो। ठीक है, हमें यहाँ पर जो दिए गए उसमें यस और नो में आंसर देना है। ठीक है, फर्स्ट में हमें दिया गया है द ओल्ड मैन वाज अ क्लेवर मैन। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति एक चतुर आदमी था, बूढ़ा एक चतुर व्यक्ति था, तो इसका आ जाएगा यस, क्योंकि बूढ़ा एक चतुर व्यक्ति था। नेक्स्ट देखते हैं द केज वाज टू स्मॉल टू कीप अ लायन इन इट। शेर को देखने के लिए पिंजरा बहुत छोटा था, रखने के लिए शेर को पिंजरा बहुत छोटा था। द केज वाज टू स्मॉल टू कीप अ लायन इन इट। शेर को रखने के लिए पिंजरा बहुत छोटा था, तो यहाँ पर हमें नो राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, द लायन किल्ड बोथ द मैन। शेर ने दोनों आदमियों को मार दिया। द लायन किल्ड बोथ द मैन, किल्ड मीन्स होता है मारना, शेर ने दोनों आदमियों को मार दिया, तो यहाँ पर हमें राइट करना है नो। नेक्स्ट देखते हैं द यंग मैन थैंक्ड द ओल्ड मैन। जवान ने बूढ़े को धन्यवाद दिया, जवान ने बूढ़े को धन्यवाद दिया, तो यहाँ पर हमें राइट करना है यस। नेक्स्ट सी नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, पिक वन करेक्ट आंसर। हमें यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है और जो करेक्ट है उस पर हमें टिक करना है। ठीक है, फर्स्ट में हमें दिया गया है द लायन वाज कफ, शेर ने पकड़ लिया, तो यहाँ पर हमें राइट करना है इन अ कैच। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टू नंबर पे, द लायन शॉट द यंग मैन। शेर ने योग को दिखाया, शेर ने शॉट मीन होता है दिखाना। ठीक है, शेर ने युवक को दिखाया, तो हमें यहाँ पर राइट कर देना है टू गोल्डन बेंगल्स। ठीक है, टू गोल्डन बेंगल्स। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पे, द यंग मैन वांटेड, युवक क्या चाहता था। द यंग मैन वांटेड मीन्स होता है चाहना, युवक
क्या चाहता था? इसका आंसर आएगा टू गेट द गोल्डन बेंगल्स। ठीक है, यो क्या चाहता था? टू गेट द गोल्डन बेंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर। द ओल्ड मैन वाज, बूढ़ा आदमी था। बूढ़ा आदमी क्या था? तो हमें यहाँ पर राइट करना है क्लेवर। क्लेवर मीन्स होता है चतुर। बूढ़ा आदमी चतुर था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ नंबर पे। वी शुड हेल्प, मदद करनी चाहिए। वी शुड, हमें मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ओनली दोस्त टू डिजर्व। ओनली दोस्त हु डिजर्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वॉज कॉल्ड बाय द लायन, शेर को किसने बुलाया था? शेर को किसने बुलाया था? इसका आंसर आ जाएगा यंग मैन वॉज कॉल्ड बाय द लायन। एक व्यक्ति के द्वारा शेर को बुलाया गया। ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा शेर को बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। व्हाट डिड द लायन वांट, व्हाट डिड लाइन वांट, शेर क्या चाहता था? इसका आंसर आएगा द लाइन वांटेड टू द मैन टू सेट हिम फ्री। शेर चाहता था कि आदमी उसे आजाद कर दे। शेर क्या चाहता था कि आदमी उसे आजाद कर दे। जहां पिंजरे में रखा था शेर को, तो शेर यह चाहता था कि आदमी उसे आजाद कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट वॉज द यंग मैन अफ्रेड ऑफ, युवक किस बात से डरता था? व्हाट वॉज द यंग मैन अफ्रेड, युवक किस बात से डरता था? अफ्रेड मीन्स होता है डरना। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा यंग मैन वॉज अफ्रेड दैट इफ ही डिड शो द लाइन वुड किल हिम। युवक को डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो शेर उसे मार देगा। युवक को डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसको मार देगा शेर। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डिड द लायन प्रोमिस टू द यंग मैन, शेर ने युवक से क्या प्रोमिस किया? शेर ने युवक से क्या प्रोमिस किया? इसका आंसर आ जाएगा द लायन प्रोमिस द यंग मैन दैट ही विल नॉट किल हिम। शेर ने युवक से वादा किया। प्रोमिस मीन्स होता है वादा। शेर ने युवक से वादा किया कि वो उसे नहीं मारेगा, कि वह उसे नहीं मारेगा। ही विल नॉट किल हिम। ठीक है, वह उसे नहीं मारेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। हाउ डिड द वर्ल्ड मैन सोल्व द प्रॉब्लम, बूढ़े व्यक्ति ने समस्या को कैसे हल किया? बूढ़े व्यक्ति ने समस्या को कैसे हल किया? इसका आंसर आ जाएगा द ओल्ड मैन सोल्व द प्रॉब्लम बाय ट्रिकली द लायन बैक इन टू द कैज। शेर को पिंजरे में वापस भेजकर, शेर को पिंजरे में वापस भेजकर बूढ़े व्यक्ति ने समस्या का हल किया। ठीक है,